साहस सरोकार। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोरिस जॉनसन ने की पीएम मोदी से बात, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए किया आह्वान। शहीदी दिवस पर पीएम मोदी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता, कहा यूरोपीय देशों ने कोरोना के उपायों को नहीं लिया गंभीरता से, इसलिए बढ़ रहे मामले। पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर करीब 2:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 80 पैसे की हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्य में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, लिहाजा इस रिकॉर्ड तोड़ जीत को भव्य बनाने के लिए परेड ग्राउंड पूरी तरह से तैयार है। इस शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और त्रिपुरा के सीएम बिप्लव देव भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साधु संत और शहर के प्रबुद्ध जन, आम जनता समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां वो जखनिया तहसील के अंतर्गत स्थित सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वह इस कार्यक्रम के आयोजक हथियाराम मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज के प्रतिनिधि डॉक्टर संतोष मिश्रा के द्वारा संघ प्रमुख मोहन भागवत के आगमन के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मोहन भागवत वाराणसी से सड़क मार्ग से हथियाराम मठ दिन में करीब 11 बजे पहुंचे और इस दौरान उनका मठ प्रांगण में ही कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात शाम करीब 4 बजे वाराणसी के लिए सड़क मार्ग से ही वापस जाने का कार्यक्रम तय है। प्राप्त सूचना के अनुसार कल पूर्वाह्न 11 बजे परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत का आगमन इस मठ परिसर में होने जा रहा है। इसकी सूचना हम सबको प्राप्त हुई है और इसी निमित्त आप सबको आमंत्रित किया गया है वार्ता के लिए। उनके कार्यक्रम आएंगे आप लोग गाजीपुर या इस मठ पर आने का विशेष उद्देश्य क्या है? मठ पर आने का विशेष उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर, जैसा कि आप सब जानते हैं यह मठ 850 वर्ष प्राचीन एक तपस्थली है, लोक आस्था का केंद्र है और कहीं न कहीं मोहन भागवत जी के मन में इस मठ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव है। विभिन्न अवसरों पर महाराज श्री से वो मिलते रहे हैं और मिलने जुलने के ही क्रम में वो यहाँ आकर माँ सिद्धिदात्री के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करेंगे और महाराज श्री से। उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में संभावित आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद नई दिल्ली में उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार एक अज्ञात ईमेल कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान यानी कि इंडिया सेल द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें यूपी पुलिस को संभावित आतंकी हमले की बात कही गई थी। यूपी पुलिस ने उक्त ईमेल के बारे में दिल्ली पुलिस को विवरण भेजा। इसके बाद इनपुट पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को नई दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हम बाजार को बंद
नहीं करने के लिए बल्कि प्रोवेटिव सर्च करने के लिए वहां गए थे। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ईमेल भेजने वाले का भी पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है और साथ ही ईमेल में उसके द्वारा किए गए दावों को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। बस्ती में विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बस्ती सिद्धार्थनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट के लिए भाजपा के घोषित प्रत्याशी सुभाष यदुवंश कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। वहीं नामांकन के दौरान नगर के बड़े नेता भी मौजूद रहे। जो यहाँ पर जिला परिषद जो अपना स्थानीय निकाय के चुनाव है, इनमें हमेशा से एमएलसी के चुनाव में जो भी प्रत्याशी पहले विपक्षी दलों के पहले विजयी रहे हैं, उन्होंने इसको उपेक्षा का पूरा शिकार बनाया है। हमारी प्राथमिकता यहाँ पर यह रहेगी कि इन तीनों जगहों पर गांव जो प्रतिनिधि हैं, जो मतदाता हैं, उनसे सारे फीडबैक को इकट्ठा करके और वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के विकास की, शिक्षा के विकास की और जो भी आजकल वर्तमान में जितनी टेक्नोलॉजी, जैसे सभी गांवों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने का काम हो रहा है, तो वैसे कि छोटे मूल बिंदु से लेकर के और टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का ये पूरा विस्तार से जो भी विकास की योजनाएँ होंगी उनको लागू करना और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास। खबर बिजनौर से है जहां राजपुर नवादा गांव के रहने वाले देश के मशहूर कवि और हिंदी के पहले गजलकार दुष्यंत कुमार के नाम पर रखा गया बिजनौर पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र में नवनिर्मित लाइब्रेरी कक्ष और पुराने लाइब्रेरी कक्ष का मंडलायुक्त ने उद्घाटन किया है। दुष्यंत कुमार के नाम पर पुस्तकालय का नाम पढ़ने से जिले के साहित्यकारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इतना ही नहीं, दुष्यंत कुमार के पैतृक घर को भी संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव भी अब शासन को भेजा जा चुका है। देखिए, बहुत पहले ही एक हम लोगों में विचार विमर्श हुआ था। दुष्यंत कुमार यहाँ की एक ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व हैं यहाँ के, उनके नाम पर इस तरीके का कोई कार्य किया जाए जो अगली पीढ़ी को एक बेहतर सीख दे। साथ ही साथ लाइब्रेरी की भी डेवलपमेंट पे बात हो रही थी और फिर यहाँ पे जिलाधिकारी बिजनौर ने, यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बिजनौर ने, इन दोनों लोगों ने विशेष प्रयास किया और यहाँ पर जो पहले से ही पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र बड़ी ख़राब कंडीशन में था, इसको और बेहतर करके और एक नया भी नई बिल्डिंग बना के इन्होंने एक यहाँ के जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हों या अध्ययन करने वाले बच्चे हों या जो लोग किताबों को पसंद करते हैं, उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन एक सुविधा यहाँ पर दी है। खबर देवरिया से है जहां एक पत्रकार ने कोतवाल अनुज सिंह से टेलीफोनिक वार्ता के दौरान पासपोर्ट ऑफिस में को स्टाफ नहीं होने की शिकायत करने पर उल्टा पत्रकार पर ही भड़कने लगे कोतवाल। वह इस दौरान कोतवाल ने पत्रकार को ही आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया। चलिए अब आपको सुनाते हैं पत्रकार और कोतवाल के बीच का वो वायरल ऑडियो। तो आपको बताते चले कि देवरिया में पत्रकार पर ही भड़कते दिखे कोतवाल साहब। इस दौरान पत्रकार ने शिकायत की थी कि पासपोर्ट ऑफिस में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है, जिसकी शिकायत करने पर उल्टा पत्रकार पर ही भड़कते दिखे कोतवाल साहब। वह इस दौरान कोतवाल ने पत्रकार को ही आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया था। तो इस दौरान एक पत्रकार को अपने कोतवाल साहब से ही शिकायत करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद गुस्साए हुए कोतवाल ने ही पत्रकार को आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पासपोर्ट ऑफिस में किसी भी कर्मचारी के मौजूद नहीं होने पर पत्रकार ने कोतवाल साहब से शिकायत की थी, जिसके बाद शिकायत का निस्तारण नहीं करने के बावजूद उल्टा पत्रकार पर ही भड़कते दिखे कोतवाल साहब।
खबर फरीदाबाद से है, जहां पर दादरी मुंबई एक्सप्रेसवे पर बल्लभगढ़ के ग्राम जजूर के नजदीक सैकड़ों लोगों ने एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। जाम लगाने वाले लोगों का आरोप है कि उनके मकानों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है और वहां पर नई कॉलोनी विकसित की जा रही है, जिसे वो लोग नहीं होने देंगे। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी और पुलिस कर्मचारियों ने जाम लगाने वाले लोगों को यह आश्वासन दिया कि उनकी पूरी सुनवाई होगी और इस पर जाम लगा रहे लोगों ने जाम को खोल दिया। अब रस्तरी नहीं हो रहा है, किसलिए नहीं हो रहा भैया? गरीब आदमी पैसा दिए, जब तुम प्लॉट काट रहा था उसी दिन कहता कि ये कच्ची प्लॉट है, रस्तरी नहीं होगा, तो जनता नहीं लेते। तो आपने कितना पैसा भर दिया है अब तक? हमने 4.5 लाख भर दिए। 4.5 लाख भर दिया, रस्तरी नहीं है आपके पास? रस्तरी नहीं है, रस्तरी किसी का नहीं है। ये हमें सूचना मिली थी कि भाई गड्ढा कॉलोनी बोलते हैं हमारी, जादरू बाईपास पे इन्होंने कुछ लेडीज और आदमी है 100-150, उन्होंने जाम लगाया है। जो तुरंत मौके पर आए तो उन्होंने 4-5 मिनट में जाम तो इन्होंने अपने आप ही साइड में हो गए, खोल दिया इन्होंने, समझाने मान गए। मेन इशू ये है, ये देख रहे हैं जो मिट्टी डाल रहे हैं, एनएचआई का ये रोड है बनना है, इनकी कॉलोनी साइड है, ये करेंगे, ये अगर बनेगा तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। बस हमें इस रास्ते का सोल्यूशन चाहिए कि यह हमारा रास्ता है कि नहीं है, और है तो कहाँ से है। बस ये इनका आरोप है कि जो अवैध कॉलोनी जिसने काटी है, तो इनकी रजिस्ट्री किसी की भी नहीं है, अवैध कॉलोनी काट दी है और उन्होंने रास्ता इनको बताया कि ये रास्ता प्रमुख है, अब रास्ता वो बंद है, तो इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी अवैध कॉलोनी काटने वालों पर? अभी तक ये बरबल अब यहाँ करके बताएं, हमारे पास इसमें कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना तो कंप्लेंट दी रखी किसी ने, ना हमारे पहले कोई इस तरह की शिकायत है, आएगा तो उसमें जो नियम। खबर श्रावस्ती से है, जहां एक 7 वर्षीय मासूम खेलते खेलते राप्ती नदी के सिसवारा घाट पर पहुंच गया और राप्ती नदी में नहाते वक्त डूब गया। आपको बता दें कि 7 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते नदी के पास पहुंच गया, जहां वो नदी में नहाने लगा। वहीं नहाते वक्त मासूम नदी में डूब गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश में जुटी हुई है, जबकि इस पूरे मामले के बाद बच्चे के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली के गांव लड़ैता से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारी गई थी, जिसको डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर कर दिया था। वह इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने ग्राम प्रधान, उसके भाई और अन्य 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए प्रधान व प्रधान के भाई को जेल भेज दिया है। खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां गोलीकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वही इस पूरे मामले की शिकायत मृतक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां मृतक की पत्नी ने ग्राम प्रधान, उसके भाई और उसके अन्य 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया था। वही अब इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा भी किया है, साथ ही ग्राम प्रधान और प्रधान के भाई को जेल भेज दिया है। खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने गोलीकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह इस पूरे मामले की शिकायत मृतक की पत्नी ने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, जहां उसने शिकायत दर्ज कराते हुए ग्राम प्रधान, उसके भाई, साथ ही 2 अन्य साथियों पर हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह इलाज के दौरान युवक तड़पता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी इलाज के दौरान ही मौत भी हो गई थी। खबर देवरिया से है, जहां एक पत्रकार ने कोतवाल अनुज सिंह से टेलीफोनिक वार्ता के दौरान पासपोर्ट ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं होने की शिकायत करने पर उल्टा पत्रकार पर ही भड़कते दिखे थे कोतवाल साहब। वह इस दौरान कोतवाल ने पत्रकार को ही आरोपों के घेरे में ले लिया था। चलिए अब आपको सुनाते हैं पत्रकार और कोतवाल का वो वायरल ऑडियो। हेलो, कोतवाल साहब से बात हो रही है? हाँ जी। ये कह रहे थे एक वीडियो हमारे पास है, जिसमें आपका जो पासपोर्ट सत्यापन कार्यालय है
तो उससे उसमें कोई पुलिसकर्मी नहीं था और सारी फाइल जो भी कागजात रखे वैसे पड़े हुए थे, उसमें कूड़ा करकट पूरा भरा हुआ था। लगभग वहाँ आधे घंटे तक वो आदमी रहा, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति था ही नहीं, आपका कोई स्टाफ नहीं था। उससे आपसे हम चाह रहे थे कि एक बाइट आप दे देते कि क्यों वहाँ से पुलिसकर्मी लगा। वीडियो किसने बनाया, वीडियो हिम्मत हुई वहाँ पर, तो उसी बगल में तो शस्त्रागार है, किसकी हिम्मत हुई बना वीडियो, कौन वीडियो बनाया, वीडियो बनाया क्या जी? हमने बनाया बगल में है पत्रकार में। हाँ कौन करिए, तो मुझे मुझे अपना नाम बताइए आप, पत्रकार की वीडियो कैसे बना दिए आप? पत्रकार गोपनीय होता है, पत्रकार बगल में वीडियो बनाया बना बनाएंगे आप पत्रकार एक दिख शस्त्रागार महोदय। अरे पत्रकार नहीं भाई, आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप लिखिएगा जो भी लिखा। मैं पासपोर्ट सत्यापन कार्यालय जो आता है, आप कहाँ है आप बताइए, हम आ रहे हैं कहाँ है? अगर आप पैसा मांगना चाह रहे हैं दीवान मुंशी से हटा के तो संभव नहीं है, सुनिए आप देखिए ये सब गलत बात मत, नहीं नहीं गलत बात नहीं, आप गलत बात मत, नहीं नहीं बिल्कुल आप आरोप मत लगाइए, नहीं गलत बात, गलत बात आपके आपके कार्यालय पे कोई नहीं था। अगर मेरे अगर आपसे पैसा हम मांगे हो या कोई मांगा हो तो आप हमें साक्षी दीजिए, आप उससे कुछ बोलेंगे? किससे पैसा मांग रहा है, किससे कौन पैसा मांग रहा है महाराज, पैसा कौन को बतिया रहा है? तो अभी आपने ऑडियो सुनो किस तरह पत्रकार पर ही भड़कते देखिए कोतवाल साहब, जहां पासपोर्ट ऑफिस में किसी कर्मचारी के मौजूद नहीं होने पर जब पत्रकार ने कोतवाल साहब से सवाल किया तो उल्टा कोतवाल साहब पत्रकार को ही आरोपों के आरोप लगाते हुए नजर आए। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के सिराज नगर में एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया। वह इस हत्याकांड के बाद मृतक के भाई ने पुलिस से हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच पड़ताल के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतल, कांच का ग्लास और एक केमिकल की शीशी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एक घर में शव बरामद होने के संबंध में मृतक के परिजनों के द्वारा मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम, पंचायतनामा इत्यादि की कार्रवाई करवाई गई है और जो आरोपी मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। समस्त विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा करवाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।